So, hello everyone, I am Ishita and I am here with another case law of law of contracts, that is Balfour versus Balfour 1918. Basically, इस केस में क्या होता है, एक होता है कपल मिस्टर बालफोर एंड मिसेस बालफोर, ये रहते हैं सिलियोन में। अब इनका मन करता है चलो जी भाई वेकेशन पे चलते हैं, ये वेकेशन में जाते हैं इंग्लैंड और घूम रहे होते हैं अपना इंग्लैंड में आराम से। अब जब ये लोग घूम रहे होते हैं तो आता है कहानी में ट्विस्ट, जो मिसेस बालफोर होती हैं वो जाती हैं बीमार इंग्लैंड के अंदर, और जो मिस्टर बालफोर होते हैं उनको तो सिलियोन वापस आना होता है श्रीलंका। अब क्या किया जाए, तो ये यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि मिस्टर बालफोर सिलियोन वापस चले जाएंगे और जो मिसेस बालफोर हैं वो इंग्लैंड में ही रुकेंगी, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगी। एंड सेकेंडली जो मिस्टर बालफोर हैं वो 30 यूरोज हर महीने मिसेस बालफोर को सेंड करेंगे, ठीक है। ये अग्रीमेंट पे मिस्टर बालफोर सिलियोन वापस चले जाते हैं। अब भाई एज अ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वो लोग लड़े, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उनका डाइवोर्स हो गया और वो सेपरेट हो गए। अब जब वो सेपरेट हुए तो मिसेस बालफोर को लगा अरे मेरे को तो मेरे पैसे नहीं मिल रहे, आई वुड लाइक टू क्लेम माई राइट और मुझे अपने 30 यूरोज चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई क्लेम करते हैं, उन्होंने सू कर दिया मिस्टर बालफोर को और उन्होंने क्लेम किया अपने 30 यूरोज, ये बोलते हुए कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। अब हमारे पास जो इश्यूज आए वो बेसिक ये इशू आए कि जो मिस्टर बालफोर थे जब उन्होंने ये अग्रीमेंट बनाया तो क्या उनकी इंटेंशन थी कि वो जो अग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग हो, और दूसरा इशू ये आता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो सकता है। अब हमारे जजेस थे, 3 जज बेंच बैठी, जस्टिस एटकिंस, जस्टिस वॉरिंगटन एंड जस्टिस ड्यूक, ये तीनों थे बड़े समझदार, कह रहे मियाँ बीवी की बात में हम नहीं आएंगे। तो इन्होंने जजमेंट दी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है दैट इज नॉट फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स और फैमिली। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि जो मिस्टर बालफोर थे उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप में आने की। थर्डली उन्होंने ये कहा इसीलिए मिस्टर बालफोर को कोई भी कंपनसेशन या मनी मिसेस बालफोर को देने की जरूरत नहीं है। इससे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, वो ये कॉन्सेप्ट आया कि जो भी सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं दैट इज मेड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते लॉ के सामने कि वो तो भाई कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।